अभी बज रहे हैं 10 और मेरे खाना बन चुका है। मैं रोटी भुजिया बना चुकी हूँ और अभी दाल चावल बन रहा है। दाल चावल अभी बन रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यूनिट 2 को कंप्लीट करूँ। जो नोट्स है इसका सिलेबस है KVS का जो, तो मैं सोच रही हूँ कि जितना टाइम मिला है, जैसे कि दाल चावल बनने में जितना टाइम लगेगा उतना देर में मैं थोड़ा सा सिलेबस को कंप्लीट करूँ, यूनिट 2 को कंप्लीट करूँ। तो जैसे कि यूनिट 2 जो है आपका है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो इसमें इसका जो है जो सिलेबस है उसको मैं जा रही हूँ नोट्स बनाने। तो जितना बन पाएगा उतना मैं बनाऊंगी, जब तक खाना बनेगा तब तक बनाऊंगी। उसके बाद फिर जो भी घर का काम है, क्योंकि देखिए घर का काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ जितना देर बना पाऊंगी नोट्स उतना देर बनाती हूँ। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। और मैं दिखा नहीं पाऊंगी नोट्स बनाते वक्त, क्योंकि इसी मोबाइल से शूट भी करना है और इसी मोबाइल से लिखना भी है। तो हाँ, लिखने के बाद मैं बनाऊंगी, बता दूंगी आपको, दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिएगा। तो बज गए हैं 12:05 हो रहा है और मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है नोट्स। बस थोड़ा सा रह गया है बनने, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अब लिखने के बाद हो जाता कंप्लीट, बट वो कंप्लीट ही है समझिए। और मैं यहाँ डेट गलती से मेंशन कर दी, गलत टाइम डेट मेंशन हो गया, याद नहीं था डेट, तो फिर मैं इसको सुधार दी हूँ। तो ये देखिए नोट्स मेरा, ये यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें रोल ऑफ टीचर है, रोल ऑफ स्टूडेंट है, लर्नर है और रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट है। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा आज कंप्लीट होता है। बस एक पेज और बचा हुआ है लिखने का, तो उसको लिख लेने के बाद मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। वो तो मैं कभी भी लिख लूँगी। और देख सकते हैं मेरा हाथ का हालत, लिखते लिखते कितना हालत ख़राब हो चुका है। और अभी थोड़ा सा मैं धूप में बैठी हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, सुबह से मैं लिख ही रही थी, तो अभी थोड़ा सा धूप में बैठी हूँ। वेदर बिल्कुल ठीक नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। तो जहाँ तक था, मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया था यूनिट 2 का, तो वो मैं जल्दी शेयर कर दूंगी। इसमें इस वीडियो जो जो पहले कल वीडियो गया था नोट्स वाला, अगर उसमें जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी के अनुसार मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि उसमें भी टाइम लग जाता है और अगर उसका किसी को बेनिफिट ही नहीं होगा तो शेयर करने से मतलब कोई ऐसा पर्पस नहीं लगता है। तो अब हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। तो आगे की पढ़ाई में ये है कि अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने जा रही हूँ। तो इंग्लिश में मैं क्या पढ़ूँगी सो मैं आपको तक शेयर करती हूँ। इंग्लिश के बाद ही मैं हिंदी पढ़ूंगी क्योंकि मेरा इसी तरह से कंटिन्यू, मैं फर्स्ट दिन से इसी तरह से कर रही हूँ, तो मैं वही उसी तरह से स्टार्टिंग करना भी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे सिनोनिम्स हैं, उसको मुझे लर्न करने हैं। और ये वो सिनोनिम्स हैं जो आप जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, KVS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो उसी को मैं पहले लर्न कर लेती हूँ। ये 20 वर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं होगा, नहीं लगेगा लर्न करने में, आराम से लर्न कर सकती हूँ। तो जितना भी आप जैसे टारगेट लिए हैं Day 1, Day 2, Day 3 करके, तो जब आपका Day 7 आ जाएगा फिर उसको क्या कीजिएगा कि जितना भी डे का आपका टारगेट था उसको रिवीजन कीजिएगा। सब उस दिन पढ़ाई मत कीजिएगा, बस रिवीजन कीजिएगा। जितना भी आप पढ़े हैं वीक में उसको आप रिवीजन कर जाइएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा तैयारी, और जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इस तरह से करके कर सकते, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये तरीका अगर आपको सही लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर जैसे कि अब एग्ज़ाम का डेट आ चुका है ना, तो बहुत लोगों को फियर भी हो रहा है, मैं भी फियर कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा है, डर मतलब मैं भी डर रही हूँ। लेकिन यही हो सकता है कि जितना हम लोग हार्डवर्क कर सकते हैं उतना कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो आप कुछ अपने हार्डवर्क भी छोड़ दीजिए, कुछ अपने लक भी छोड़ दीजिए। और देखिए ऐसा नहीं है कि जितने लोग फॉर्म भरे हैं सबका हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग तैयारी सब लोग करते हैं, एग्ज़ाम सब लोग देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है।
तो आप ये सोचिए कि कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे थे और कुछ आपने अभी से स्टार्ट किया है। तो जैसे कि मेरा है, तो मैं रिसेंटली ही स्टार्ट की हूँ टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन करना, तो मैं उतना बर्डन नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज को आपको टाइम देना पड़ता है, और साथ में आप अगर आप बच्चे को संभालते हुए पढ़ रहे हैं तो ये एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन जितना आप अपना 100% दे रहे हैं उतना दीजिए, और अपने अंदर एक मोटिवेशन रखिए कि आप जितना भी कर पाए हैं उतना बहुत है। आपको एक अपना विश्वास लेके जाना है एग्जाम में, आप जितना जानते हैं आपका उतना ही काफ़ी है। और अभी क्या कर सकते हैं इतना कम टाइम में, कि जो जो एग्ज़ाम ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे कि आपका अपना सब्जेक्ट हो गया, पैडागॉजी हो गया, और एक करेंट अफेयर, तीन चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि एक बेस बना लीजिए कि हाँ आप इसमें आराम से कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, वो आप आराम से कर लीजिएगा, तो जो करंट अफेयर है और पैडागॉजी सेक्शन है और आपका सब्जेक्ट है, बस इन तीनों पे कमांड अगर कर लेते हैं आप, तो मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ कि पार लग सकता है एग्ज़ाम, और अगर आप लग साथ दे देते हो तो इस टाइम में आप थोड़ा सा अपना स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, तभी तभी कुछ हो सकता है कि हाँ मतलब एक आप अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेके आप जा सकते हैं वहाँ पे, एग्ज़ाम दे सकते हैं जाके। तो चलिए अब मैं हिंदी पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं बताती हूँ हिंदी में क्या पढ़ने जा रही हूँ। बस यही बोलना था क्योंकि कमेंट आने लगे थे कि हाँ वो डर लग रहा है, तो देखिए डर लगना एक नेचुरल सी बात है, कि जिस जैसे कि आप फॉर्म भरे हैं तभी तो आप डर रहे हैं, जो फॉर्म नहीं भरा है वो नहीं डर रहा है। तो जिस काम को आप करते हैं और उस काम में आपको डर लगता है, तो समझिए कि आप एक ईमानदार इंसान हैं, अपने आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति आपकी पूरी ईमानदारी है। बस अभी मैं पढ़ने वाली हूँ हिंदी में ही, इससे पहले संज्ञा पढ़ी थी मैं, अब पढ़ने वाली हूँ सर्वनाम, नहीं मैं सर्वनाम पढ़ लेती हूँ, सर्वनाम पढ़ूंगी और विशेषण पढ़ूंगी, दो टॉपिक करूंगी कवर। अगर आपके पास जैसे नोट्स नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि जैसे मैं नोट्स से पढ़ रही हूँ और आपके पास नोट्स नहीं है तो आप पैनिक करेंगे कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो आप जैसे कि मैं होगा सोच सके तो शेयर कर ही दूंगी नोट्स, लेकिन अगर नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है शेयर करने का, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च करके भी आप ऑब्जेक्टिव से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है कि आपको इसमें नोट्स बनाना होगा तभी आप पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इजीली यूट्यूब पे डालिएगा, लिखिएगा उसमें संज्ञा सर्वनाम जो भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं, उसका अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और आप उसको काम करते वक्त भी सुन सकते हैं, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं भी यही करने वाली हूँ, मैं रिवीजन करती जाऊँगी, जिसे पढ़ती जाऊँगी टारगेट में, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि लूसियन कैप से भी आप कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं, या आपके पास कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन का बुक होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश तो रहता ही है क्योंकि ये जनरल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी जितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं आप उसको भी सॉल्व करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब तरीका है पढ़ने का, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का दूसरा रास्ता होता है, तो पैनिक नहीं होना है। आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं आप बस फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, और मैं बताने वाली हूँ कि आप सही तरीके से तैयारी कैसे करेंगे, आप इसी ब्लॉग में देखिएगा कि मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर सकती करूँगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। पढ़ रही थी सर्वनाम और विशेषण, तो देखिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए अपना कॉन्सेप्ट कि सर्वनाम और विशेषण क्या है, कितने प्रकार के हैं, उनके क्या क्या नाम है, सर्वनाम होता क्या है, विशेषण होता क्या है। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि क्या है, लेकिन थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पढ़ लेने के बाद आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो लूसेंट का जो ऐप आता है उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है ऑब्जेक्टिव, आप उस पर भी जाके, जैसे सर्वनाम है तो सर्वनाम से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या बुक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक को पढ़ लीजिए यहाँ से, और उसके बाद अपना कहीं से ऑब्जेक्टिव सर्च कर लीजिए, या यूट्यूब से कोई भी वीडियो सर्वनाम का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम से कम रखिए कि कम से 50 क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए सर्वनाम से, विशेषण से, संज्ञा से, ताकि 50 में अगर आपका चार भी आपका सही हो जाता है तो काफ़ी एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा आप सुनने का आदत डालिए, ठीक है, जितना हो सके उतना आप सुनिए, पढ़िए और सुनिए, पढ़िए और सुनिए, बस इसी यही इतना ही टाइम आपके पास है या मेरे पास है। तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ मैं आपको बता दे रही हूँ। तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपने आप को चैलेंज दे कि हम लोग इतने दिन में ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग हर दिन का चैलेंज दे सकते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं ज़्यादा दिन का चैलेंज नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा टाइम है वो बहुत डिवाइडेड है,
तो मेरे से जितना पॉसिबल हो सकेगा एक दिन में मैं उसको उतना कवर करने की कोशिश करूंगी, और वही आप लोगों तक शेयर भी कर रही हूं। तो अगर आपको ये जो स्ट्रैटेजी है या जो तरीका है पढ़ने का, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही है, ठीक है, तो आप बताइएगा कि हाँ सही है, और इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वर्क करने वाला चीज़ है ये, वर्क करेगा। और आपका अगर आपके पास बच्चा है तो बहुत, जैसे कि होता है कि आप जो एक कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, इस चीज़ को मायने रखिए। अगर आप हमेशा बोलते रहिएगा कि बच्चे है तो नहीं पढ़ पाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और देखिए बोलना भी है और पढ़ाई भी करना है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप बोलिए, लेकिन आपने एक तरीका बनाइए पढ़ने का। तो आज मैं क्या क्या पढ़ी हूँ, आज मैं पैडागोजी का नोट्स बनाई हूँ यूनिट 2 का, और उसके बाद इंग्लिश में मेरा सिनोनिम्स हुआ है जो इंपॉर्टेंट केवीएस से पूछा जाता है, पूछा गया है, और केवीएस का है और एनवीएस का था, ठीक है, 20 वर्ड्स। तो और उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ी हूँ सर्वनाम और विशेषण। तो अभी मैं इस पढ़ाई, अभी मैं जो अपनी स्टडी है मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी उसको, और जो मेरे घर के जो काम बचे हुए हैं मैं आपको दिखाऊंगी, उस काम को मैं भी कंप्लीट करूँगी। तो अभी अच्छा खासा, अभी आई थिंक अभी अभी 2:30 बज रहा है, ठीक है, तो काम करते करते 3, 3:30 या 4:45 मेरा हो जाएगा, क्योंकि बर्तन धोना है, थोड़ा घर भी साफ करना है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, 4 नहीं बजेगा, बट 3:30 तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद में आगे का जो भी पढ़ूंगी वो मैं रिकॉर्ड करूंगी, तो शेयर करूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको दिखाती हूँ अपना काम, और उसके बाद इस पढ़ाई को मैं यही एंड करती हूँ, आज की पढ़ाई को मैं एंड करती हूँ, लेकिन आज का टारगेट को एंड नहीं करूँगी, अभी की पढ़ाई को मैं एंड करने वाली हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ काम, मेरा काम कितना सारा बचा हुआ है, और मैं पढ़ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जब तक मैं पढ़ रही थी तब तक ये अपना काम कर रही थी, देखिए ये अपना काम में लगी हुई थी, और इसी कारण से मैं थोड़ा सा पढ़ पाई हूँ। अब घर का काम स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं घर का कंडीशन अभी कैसा है, देखिए। तो अब मैं जा रही हूँ घर का काम करने, आप देखिए घर का काम कितना पड़ा हुआ है, सारा ऑलमोस्ट सारा काम पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा झाड़ू बर्तन, हो सके तो मैं थोड़ा पोछा करूँगी, क्योंकि कल मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, नोट्स बनाना था, लिखना था थोड़ा, और थोड़ा वेदर भी ठीक नहीं था इस वजह से। तो आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, और आप कितना जो टारगेट वाला डे है, मैं टारगेट कहूँगी इसको, कितना आप लोग फॉलो कर रहे हैं, और इससे क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए, जितना भी टाइम बचा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है जितना हम लोग पढ़ पा रहे हैं उतना शायद और वो ना, कोई और भी ना पढ़ पाए, पढ़ पा रहे होंगे, तो उतना मत सोचिए, जितना पढ़े हैं उतना इनफ है, और मेहनत करते रहना है, अभी है टाइम थोड़ा बहुत, जो भी टाइम है। तो अब मैं काम करूँगी घर का, उसके बाद जो बचा हुआ है, जैसे कि जीके बचा हुआ है, कंप्यूटर बचा हुआ है, दो चीज़ बचा हुआ है, और एंड में रिवीजन बचा हुआ है, तो ये 2-3 चीज़ बचा हुआ है, तो मैं काम करने के बाद दिखूँगी। चलिए, इस पर कोई पैन कर